लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। भारतीय जनता पक्ष कोई भी आरोप नहीं कर रही है। पहली बात तो मराठा समाज को SC/BC के अंतर्गत आरक्षण देने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आरोप तो सत्ता पर बैठे हुए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। हमने तो नम्रता से समाज को आरक्षण मिले उसकी कायदेशीर प्रक्रिया पूरा करके आरक्षण दिया है, उसको कोर्ट के सामने संरक्षित महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नहीं कर पा रही है। आज कोर्ट का रिव्यू पिटीशन के अंदर जजमेंट आने के बाद फिर एक बार जो स्टेटमेंट अशोक चव्हाण जी कर रहे हैं उसके कारण डर फिर एक बार वही है कि मराठा समाज को कानूनन संरक्षित आरक्षण मिलने से ये समाज को वंचित रखने का काम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी कर रहा है। इसका कारण यह है क्योंकि कोई भी समाज को आरक्षण देने के पहले या केंद्र की मागास सूची में उसका समावेश करने के पहले या राष्ट्रपति जी महोदय के पास उसको भेजने के पहले जो प्रथम कर्तव्य करना पड़ता वो ये है कि वो समाज को मागास घोषित करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। दो, उस प्रक्रिया में उसका एम्पिरिकल डाटा जमा करना पड़ता है। तीन, उसका कानून राज्य को करना पड़ता है। और चार, इंदिरा साहनी के 9 बेंच के जजमेंट के आधार के अनुसार उस समाज को आरक्षण संरक्षित करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। अब इन चारों चीजों को छोड़कर केंद्र करे केंद्र करे केंद्र करे ये कहना यानी आरक्षित संरक्षित मराठा समाज को आरक्षण न मिले ऐसा ही काम ठाकरे सरकार कर रही है। और इसके लिए हम नम्रता से उनको आह्वान कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही बात आपने अपॉइंट की हुई भोसले की कमिटी ने कहा है। जस्टिस भोसले जी और खंबाटा जी ने आपको वही निर्देश दिए, आप उनका तो सुनिए। आपने जिस कमिटी को अपॉइंट किया उसका भी नहीं सुनेंगे, 9 बेंच के जजेस के इंदिरा साहनी को नहीं सुनेंगे, 5 बेंच की जजेस ने दिए हुए लेटेस्ट जजमेंट को भी नहीं मानेंगे। लेकिन हम सिर्फ राजनीतिक विधान करेंगे, इससे समाज का भला नहीं होगा और इस प्रकार के समाज का अहित करने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। कोऑपरेट करने वाले को इन्वेस्टिगेशन के सामने जाकर कोऑपरेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भगोड़ापन करके कोऑपरेशन नहीं प्रूव होगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भागना यह कानूनन गुनाह भी है। और जिस तरीके से रॉयल ट्रीटमेंट की बात आप मांग रहे हो कि लिखित में भेजिए, सवाल में लिखित में भेजूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भेजो फिर मैं उसका उत्तर दूंगा, क्या आप गृह मंत्री अनिल देशमुख जी थे तब आपने ऐसे ही गुनहगारों के साथ किया था क्या, उनको ये ट्रीटमेंट दी थी क्या? अरे वो छोड़िए, एक एडिटर है एक चैनल के, उनको आपने घर जाके अरेस्ट किया, क्या उनको आपने लिखित प्रश्न भेजे थे, क्या लिखित मांग की थी उनसे आपने? आपके लिए कानून अलग और राज्य के जनता के लिए कानून अलग। मैं तो डिमांड करता हूं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने और कठोरता से काम करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सब्जुडाइज मैटर में मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार से लिप्त होकर किसानों के हित की हत्या की है। एक जगह पर किसानों के हित के लिए दोगलापन दिखाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग इसका जवाब दे कि जरंडेश्वर सहकारी साकर कारखाना यानी जो कोऑपरेटिव कारखाना था ये कुछ सालों में गुरु कॉमोडिटी सर्विस लिमिटेड में चला गया। जो कोऑपरेटिव कारखाना था वो सर्विस लिमिटेड में चला गया और अंत में जाकर कहां पड़ा, तो जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो किसानों के पैसे से उनके हित के लिए कोऑपरेटिव कारखाना बना था वो प्राइवेट लिमिटेड कैसे हुआ? जो किसानों का भाग भांडवल उनका शेयर था वो किसने खाया?
उनके शेयर पर कारखाना बनाना और खुद के प्राइवेट लिमिटेड में यूज कर रहा, ये किसानों का कौन सा हित है? महाराष्ट्र का ये दुर्भाग्य है, इसका पाप उनको भुगतना ही पड़ेगा। धन्यवाद।